नमस्कार, मी वैशाली पाल। मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी। भिवंडी नजदीकी ग्राम पंचायत खोणी ग्राम पंचायत है। खोणी ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और आज उसकी मतमोजनी हुई। मतमोजनी के दौरान अल्ताफ भाई सरपंच पद के लिए चुन के आए। अल्ताफ भाई के नेतृत्व में खड़े हुए पैनल भी भारी संख्या से विजयी हुए। सऊद अब्दुल भाई शेख, मंजूर शाह उनकी मिसेस, इमरान भाई का पूरा पैनल, मफ्फू भाई का पूरा पैनल, मेहताब भाई भारी मतों से विजयी हुए। सभी विजयदाता ने मतदारों को शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं अपने खूनी खाड़ी पर रसूलाबाद की जनता से का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम लोगों पर भरोसा रखा और हमारी सब सीटें चुन के आई बहुमत के साथ। अभी हमको काम करना है, जो काम पेंडिंग है, जैसे कि इलेक्शन से पहले मैंने कभी अपनी बाइट में ये नहीं बोला कि पानी लाना है। पानी का जो मुद्दा है इसको मुझे ख़त्म करना है। इंशाल्लाह ताला ईश्वर की दुआ कृपा रही तो मैं ये मुद्दे को जल्द से जल्द ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं मेरे नेता अबू आसिम आजमी साहब और हमारे आमदार रईस कासम शेख साहब से मेरी अभी डिस्कस हुई है कि वाकई पानी की तकलीफ़ क्यों। मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं मिल्लत नगर या दीवान शाह दरगाह रोड रहता हूँ तो मुझे भी तकलीफ़ है। तो मैंने अपनी बात को रखी है और अभी अल्ताफ बाली वगैरह भी यहाँ सब थे जो सदस्य चुन के आए, उनसे भी मैंने कहा है कि सबसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो पटाखे मत फोड़ो किसी के घर के सामने जाकर, कोई हारा है तो उसको चिढ़ाओ मत, उससे अच्छे से मिलो। ठीक है, आज आप जीते हो, कल हो सकता है वो जीत जावे, इसलिए हमको इस तरह का कोई माहौल मत पैदा करो जिससे एक आदमी का दुख है आज किसी मन में कि वह हारा है और उसके ऊपर आप जगह और किसी तरह का तेल मलोगे तो वो मैसेज देने की मैंने बात की है अभी सब लोगों से कि जाके लोगों से मुलाकात करो, हारने वाले से भी मिलो गले कि ठीक है आज तुम हाँ जीते हो, हम जीते तुम हारे हो, हो सकता है कल यही जनता आपको चुन के दे देवे, बदलाव हो सकता है। तो मैंने फिर वापस से खाड़ी पार खूनी रसूलाबाद की जनता से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को रखा, क्योंकि शादी के अंदर समय मुझे बहुत कम मिला था। मेरी बेटी की शादी थी, 3 दिन मुझे मिला इलेक्शन में और 3 दिन में मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया, हमने किया, हमारे सब दोस्त साथी थे, कहीं कहीं तो हमारे दोस्त यार भी खड़े थे, उनको भी देखना था, बहुत कुछ देखते जागते ये सब चीज़ें हुई है। फिर आपके माध्यम से आपने भी कवरेज दिया पूरा, आपका भी इस जीत के अंदर हमारे को सहयोग मिला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय महाराज, जय समाजवाद। अभी जिस वार्ड में आप बैठे हैं यहाँ से मेरा छोटा भाई तीसरी बार चुन के आया है, सऊद अबुल जय शेख, और वैसे ही सीनियर लीडर मंजूर शाह उनकी मिसेस चौथी बार मुझे लगता है पांचवी बार चुन के आई हैं, और सरपंच में अल्ताफ बाली आए हैं, फिर अपना 3 नंबर से इमरान भाई का पूरा पैनल आया है, फिर वहाँ मफ्फू भाई का पूरा पैनल आया है, फिर अपना वहाँ से मेहताब भाई वगैरह आए हैं, कुछ पैनल टूटे भी हैं, कुछ जीते कुछ हारे हैं। इमरान मुल्ला जो है उनका पूरा पैनल आया, मफ्फू का पूरा पैनल आया और सऊद का ही पूरा पैनल आया, सब पूरे पैनल, 3 तो पूरे पूरे पैनल है। अब खूनी गांव में भी हमारा पैनल चुन के आया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, उनकी भी वहाँ के भी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यकीन है कि हम लोग अच्छा काम करेंगे। यही मेरी लोगों से, आप लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ और जो चुन के आए उनसे मेरी अपील है कि किसी के सामने पटाखे मत फोड़ो, रैलियाँ मत करो, किसी को चिढ़ाओ मत। आप चुन के आए हो, पब्लिक ने आपको चुन के दिया, आप काम पे ध्यान करो, काम पे आज से लग जाओ, क्योंकि खाड़ी पर रसूलाबाद खूनी में बहुत काम है, आपको समय कम है समझ चलना, काम ज़्यादा है। नहीं, जय हिंद, जय महाराज, जय समाज, धन्यवाद। या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी। अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।